लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने राजनांदगांव में बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी नितिन नवीन, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और डिप्टी सीएम अरुण साव पहुंचे। आपको बता दें कि बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी चर्चा हुई और बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी रोज किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच रहती है। हमारे प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, लगातार वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रदेश के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश बघेल को नकारा है और राजनांदगांव से भी वो खाली हाथ लौटेंगे। राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। राजनांदगांव से नैमिष अग्रवाल। आज राजनांदगांव लोकसभा के प्रबंध समिति की बैठक है और इस बैठक में हमारे प्रदेश के सह प्रभारी, बिहार के कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन जी और हमारे वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी, आगामी कार्यक्रमों की योजना रचना और चुनाव की पूरी व्यूह रचना आज की बैठक में बनेगी। अभी कोरबा लोकसभा की बैठक लेकर आए हैं, राजनांदगांव लोकसभा की बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और आज की बैठक में विधानसभाओं के सम्मेलन, प्रत्याशी के प्रवास से लेके चुनाव की जो आगामी जितनी गतिविधियां होगी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए उन सब की चर्चा करके, बातचीत करके योजना रचना की जाएगी।